आज एक नए दिन की शुरुआत हुई है। इस नए दिन की शुरुआत में मैं आपको कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ जो आपने पहले बहुत कम देखा होगा। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आज अपने फ्रेंड के साथ पहुँचा था एक कंस्ट्रक्शन साइट पे। मेरे फ्रेंड का खुद का यहाँ बिजनेस है कंस्ट्रक्शन साइट पे। वो स्टोन का काम करते हैं। चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाऊंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है आपको दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जाऊँगा, विजिट करूँगा और आपको लेबर के वर्क बारे में बताऊँगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, ये बिला हम तीसरी साइट पे आए हैं। ये बिला जो बन के एकदम तैयार हो चुका है, जो कि सुंदर की कंपनी ने खुद तैयार किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंडिया से कोई भी स्टोन मेसन का काम जानता है और दुबई में अगर काम करना चाहता है तो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नंबर भी उसका पिंदर का दे दूंगा। कोई भी उसको कॉल करने के बाद उससे बात करके अगर दुबई आना चाहता है, काम करना चाहता है यहाँ पिंदर के साथ, तो कॉल उसको व्हाट्सएप कॉल करके आप बात कर सकते हो डायरेक्ट। वीज़े की और काम की फुल गारंटी होगी, जो यहाँ अपने साथ स्टोन मेसन के काम में आपको काम प्रोवाइड करेंगे। जहाँ ये जो मोल्डिंग वगैरह होती है, जहाँ वो अंदर जो पिलर वगैरह लगते हैं उनकी डेकोरेशन के लिए जो सामान जो तैयार किया हुआ है उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद उठा कर लेकर जाते हैं अंदर, जहाँ जहाँ इसकी फिक्सिंग होनी होती है वहाँ लेकर जाते हैं। इतना इजी काम नहीं होता जहाँ लेबर का काम। तो तकरीबन 12 घंटे की जॉब है। 12 घंटे में इनको पूरा काम करके अपने ओनर को देना पड़ता है। तो आप देख सकते हो ये कंस्ट्रक्शन साइट है और इस तरह से शटरिंग वगैरह हो रखी है ऊपर की। और एक भाई यहाँ पेंट कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं। अभी कदा अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो साइड पे काम चल रहा होता है वहाँ पे जो मिस्त्री हैं, जहाँ लेबर वर्क कर रहे हैं, वो काम करते करते साइड पे अभी कोविड के दौरान उनको साइड की और ही अपनी रिहाइश करनी पड़ती, वहीं रहते हैं क्योंकि ट्रैवल करना मुश्किल हो चुका था। तो मैं आपको दिखाता हूँ उनकी जो रहने की फैसिलिटीज़ होती हैं कुछ इस तरह से होती हैं। जी उनकी किचन है, साइड पे ही है क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं होता, उनका कोई ट्रेवल करने का खर्चा नहीं आता। फिर तो ये किचन, यहाँ एक कमरा उनको दिया जाता है जिसमें वो किचन अपना फ्रिज वगैरह एसी लगा हुआ है। तो रहने के लिए बंक बेड लगे होते हैं, 4-5 लोग आराम से यहाँ सो सकते हैं। तो जितने लोगों की ज़रूरत होती है साइड पे ऊपर काम करने के लिए उतने लोगों की रिहाइश का पूरा प्रबंध किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर की ओर से। तो यहाँ 6 लोगों का पूरा प्रबंध किया हुआ है सोने का, एसी वगैरह लगा हुआ है, फ्रिज दी हुई है। ये सब कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, किचन देते हैं साथ में, सिलेंडर वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरह से जो रहाइश है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो बिले के बिल्कुल बाहर बाहर भी बनी हुई, क्योंकि यहाँ पे तीन चार कॉन्ट्रैक्टर का काम चल रहा है तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर की अलग अलग लेबर होती है, तो अलग अलग ही उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। तो एक अकोमोडेशन आप ये भी देख सकते हो, वो रूम है, अभी बंद है, गए हुए हैं काम पे। तो ये उनकी किचन है, किचन है, फ्रिज प्रोवाइड की गई है। ये लाइफ जो है आप देख रहे हो वो होटल लाइफ, जहाँ जैसे हम नॉर्मल टूरिस्ट घूमने आते हैं, होटल में रहते हैं, एंजॉय करते चले जाते हैं, लेकिन ये लाइफ जो जहाँ काम करने आते हैं उनकी होती है। साथ में एक एक साइड पे वॉशरूम वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं उनको, ताकि उनकी कोई यहाँ पे मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ऐसी कुछ साइट होती हैं। इसको तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? पूरा पूरा साल नो, 1 साल 6 महीने तो 1 साल लग जाता है, यानी पूरा थल्ले ऊपर तक। 6 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाता है, तकरीबन 1 साल भी लग जाता है। जितनी बड़ी साइट होगी उतना ज़्यादा टाइम इसको लगता है। काफ़ी बड़ा विला जो ये तैयार हो रहा है, काफ़ी बड़ा है।
तो तकरीबन 1 साल का टाइम है इसका भी कंप्लीट होने का। एक साल लग जाएगा। इस साइड पे मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये जो दीवार है ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इस पे स्टोन लग चुका है सारा, पेंट काट लगाने थे। देख सकते हो आप, ये विदाउट पेंट स्टोन होता है, ऐसे ही इसको डेकोरेट किया जाता है। और इसको लगाने का बहुत ही यूनिक तरीका सामने आया जो पिंदर ने बताया मुझे, जो आप देख सकते हो ये दीवार से तकरीबन 2 इंच की दूरी पे है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं जैसे इंडिया में सीमेंट लगा कर टाइल वगैरह का लगाते हैं, इसको जो क्लंपिंग होती है, क्लंप के साथ पत्थर लगाया जाता है, क्लंप और ग्लू की मदद के साथ इसको पत्थर ऐसे लगाया जाता है दीवार से 2 इंच दूर। कुछ इस तरह से पत्थर की फिनिशिंग का काम होता है, वो उधर लगे हुए हैं पेंट वगैरह पत्थर के ऊपर नहीं होता, फिनिशिंग करते हैं वहाँ पुतला पुती वगैरह लगाने के बाद। तो पत्थर फिनिशिंग करने के बाद जो दीवार एकदम कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे पैड वगैरह की हुई है, इतना ऊँचा ऊँचा आकर काम करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है यहाँ आकर काम करना। ये दीवार मैं आपको दिखाता हूँ, इस दीवार में जो ब्लैक सा पेंट किया हुआ है, जो लग रहा है कि पेंट है लेकिन ये पेंट नहीं है, पत्थर लगाने से पहले एक केमिकल है बिटोमिन। बिटोमिन जिधर लोग नहीं मारते थे कहते थे, हाँ ऐसे इंडिया में वाटरप्रूफ करने के लिए लोग मारते हैं ऐसे सेम सेम है। हाँ वाटरप्रूफ किया हुआ है दीवार को, क्योंकि इसके बाद जो पत्थर लगेगा वो दीवार से 2 इंच पीछे लगेगा। जो सैंपल की ओर से यहाँ रखा हुआ है जो आप देख सकते हो, तो इसको वाटरप्रूफ कर दिया है दीवार को एकदम, और इसके साथ साथ अब पत्थर लगता चला जाएगा। मेरा यहाँ साइड पे आने का मेन मोटिव यही था कि यहाँ जो दुबई में लेबर का काम होता है वो कैसे होता है, कौन सा काम किस तरह से होता है, ये आपको दिखाना, आपको इसके बारे में नॉलेज देनी। तो ये देखो जेबिले के चारों ओर इन्होंने जो केमिकल लगा के दीवार को वाटरप्रूफ किया हुआ है, और पत्थर लगना स्टार्ट होने वाला है अभी। ये एंगल होते हैं, ये सपोर्ट के लिए होते हैं पत्थर को लगाने के लिए, ये ऐसे इसमें हिल्टी से ड्रिल मार के इनको फिक्स किया जाता है, बाद में चाबी से टाइट करके पत्थर के ऊपर निशान लगा के उसमें ग्राइंडर से चरी डाल के फिर बाद में ग्लू लगा के ऐसे फिक्स कर देते हैं। वो पत्ती का साइज भी अलग अलग होता है, कहीं पर ज़्यादा ज़रूरत होगा तो बड़ी लगानी पड़ती है, जहाँ पर कम गैप होता है तो वहाँ पर छोटी बड़ी लगानी पड़ती है। ये जो पत्ती आप लगाते हो इसका जो बुनियाद कितनी है, जो स्टील की है या लोहे की? स्टील की है, कभी ख़राब नहीं होती है और कभी जंग भी नहीं लगता है इसको, इसीलिए ये लाइफ टाइम गारंटी होती है इसकी। ठीक है। और पत्थर भी बिल्कुल मजबूत लगता है, इसकी भी लाइफ टाइम गारंटी है, ये कभी गिरता नहीं है। जैसे कोई सीमेंट से लगाता है तो सीमेंट कभी भी 20 साल बाद 15 साल बाद निकलने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन इससे तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते। ठीक है भाई, थैंक यू, आपने मुझे साइट को विज़िट करवाया और जहाँ चल रहे काम के बारे में नॉलेज दी। इसको देखने के बाद बहुत से लोगों को मालूम पड़ेगा यहाँ का जो काम है वो कैसे होता है, कितना टफ़ है या कितना ईजी है। पहुंचे ही दूसरी साइड पे जहाँ पिंदर का काम चल रहा था, तो ये बिला है आप देख सकते हो, ये बिला पूरा कंप्लीट हो चुका है, बाहर की बोरी बाउंड्री जो पत्थर लग चुका है, पत्थर लगने के बाद जो आपने पहले देखा है इसका इनसाइड एरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये देखो कितनी शानदार बिला लग रहा है जी, बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद अभी सफाई वगैरह होनी बाकी है, बाकी नीचे का काम टाइल्स वगैरह का बाकी है, लेकिन पत्थर बिल्कुल ऊपर तक कंप्लीट हो चुका है इस बिले में। और ये यहाँ का लास्ट रोड है, ये वाला रोड जहाँ लास्ट है, इसके आगे जो रेत के टिब्बे हैं रेत के पहाड़ हैं वो शुरू हो जाते हैं, और इसके आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान ही है यहाँ से आगे। दूर दूर तक आपको इस साइड में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, इधर भी नहीं।
और इसके बिल्कुल सामने ही है जो विले बने हैं, नए विलेज, एक तरह का पूरा विलेज ही नया बन रहा है जी। तीसरी साइड पे हम घूम रहे थे, इसकी अंदरली साइड विला पूरा कंप्लीट हो चुका है, स्टोन लग चुका है, और पीछे की ओर वहाँ आप देख सकते हो जो मिस्त्री और जो लेबर वर्क है उनके लिए रिहाइश पहले प्रोवाइड की जाती है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ उनकी यहाँ की रिहाइश कैसे, क्योंकि हर एक साइड पे ऊपर डिफरेंट उनको कैबिन या कमरा तैयार करके दिया जाता है रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए, एसी, फ्रिज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं वीडियो कैमरा दूसरी ओर करके आपको दिखाता हूँ अंदर का एरिया कैसा है, यहाँ का एरिया कैसा है। पहले दो एरिया आप देख चुके हो, अभी यहाँ का दिखाता हूँ। ये यहाँ रहने के लिए पूरा कमरा तैयार हुआ है और बंक बेड लगाए हुए 6 लोगों के लिए। तो जे भाई साहब आज छुट्टी पे हैं, जहाँ किचन किचन उधर दूसरी साइड, अच्छा दूसरी साइड में किचन है, जे रूम है 6 लोगों के रहने के लिए, एसी वगैरह लगा हुआ है, उस साइड फ्रिज पड़ी है, जे सिलेंडर आपको बता रहा था कि डिलीवरी होती जहाँ पाइपलाइन नहीं है। तो जे भाई साहब आज छुट्टी पे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं आज। और साथ में मैं आपको दिखाता हूँ किचन, तो ये है यहाँ किचन, इनके खाने वाने बनाने का सामान सब प्रोवाइड किया जाता है, फ्रिज है, तो कुछ इस तरह से इनको टेम्परेरी जो रिहाइश है साइड पे दी जाती है, ताकि जो इनको ट्रैवल करने के लिए मुश्किल ना आए। और कोविड के दौरान जो ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल हुआ था, जहाँ गवर्नमेंट ट्रैवल नहीं करने देती थी, तो एक एक कारण ये भी है कि जो साइड पे ही इनको रहने की रिहाइश प्रोवाइड की जाती है। ये विला है, बहुत ही बड़ा विला है, तकरीबन 15-16 रूम है अंदर, बहुत बड़ा विला है, तकरीबन 1 साल हो चुका है इसको। तो 1 साल में जो यहाँ का इनका कॉन्ट्रैक्ट था, जो स्टोन मेसन का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल में यहाँ कंप्लीट हुआ है, क्योंकि विला बहुत बड़ा है, तकरीबन 4 से 5 कनाल जगह में ये विला है।